हेलो रुवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि लोगों का एक सवाल होता है, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है या यूट्यूब क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं, यानी एक नए यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक सवाल होता है यार, यूट्यूब से पैसे कब व कैसे मिलते हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यूट्यूब से पैसे कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यूट्यूब से पैसे मिलने के लिए सबसे पहले हमें हमारा यूट्यूब चैनल को अच्छे से सेटअप करना पड़ता है। यह बात तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों को पता रहती है, सारे लोगों को पता रहती है। इसके बाद में आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करना पड़ता है। YouTube पे आपको रेगुलरली अपने बेसिस पे एक टाइम बना लीजिए, कंसिस्टेंटली रहना चाहिए कि मेरे को एक दिन के अंदर वीडियो अपलोड करना है तो अपलोड करना ही है। ऐसे में क्या आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर बना रहता है। अगर आप एक दिन में वीडियो आज एक दिन एक वीडियो आज डालें, एक वीडियो पता नहीं कब डालें, लेकिन उनको पता नहीं रहता ना, तो ऐसे में आपकी YouTube वीडियो पे व्यू कम आते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आपको वीडियो डालना चाहिए एक निश्चित टाइम पे। इसके बाद में बात आती है कि आपको सबसे पहले 365 दिन के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे होना चाहिए, प्लस 0 कॉपीराइट स्ट्राइक होना चाहिए, 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इन चीज़ों को होने के बाद आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए रिव्यू में भेज दिया जाता है। तो 2 से 5 दिन के अंदर YouTube की टीम है उनकी ओर से एक मैसेज आता है कि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप किसी ऐसी गलत चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं, प्लस 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 4000 घंटे पूरे होंगे, 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो भी दोस्तों अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो भी आपका YouTube चैनल को डीमोनेटाइज हो जाएगा। आपका जो YouTube चैनल का जो मोनेटाइज का जो रिव्यू के लिए भेजा गया था वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है। और आपको सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो ऐसे में आपको एक भी गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होना चाहिए, अगर एक भी स्ट्राइक आ गई तो 4000 घंटे प्लस 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटेगी उसी के बाद में होगा। इसके बाद में बात आती है कि आपका जो पेमेंट होता है वो कब आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके खाते के अंदर जब आपका एडसेंस अकाउंट होता है गाइस, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए एडसेंस एक ऐसा गूगल का एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको यूट्यूब को इससे जो एडसेंस है उसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो एडसेंस से कनेक्ट करने के बाद में आपका इसके अंदर $100 मोनेटाइजेशन आने वाला होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होने के बाद जो पेमेंट आता है मिनिमम आपका $100 बहुत सारे पैसे आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर, तो आपकी मर्जी है एडसेंस के अंदर या कैसा उसके बाद में आप जहां पे आप लोग जाके हर महीने के 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपका जो पेमेंट हो आपके, इसके लिए आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए। आपको अपना यूट्यूब चैनल बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाने के लिए आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए, प्लस उम्र आपकी 18 या 18 से ऊपर की होनी चाहिए। पैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपना यूट्यूब चैनल खोलने के बाद में आपको जो यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो वहाँ पर जाना पड़ता है, उसके अंदर आपको मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जो पार्ट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर जाके आपको अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में एडसेंस अकाउंट के अंदर आपके बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, प्लस एडसेंस अकाउंट को भी वेरीफाई किया जाता है जो आपके पैन कार्ड के द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछें। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के सामने अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लिया है, जो मेरे का यूट्यूब चैनल का एडसेंस अकाउंट, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या आपका कोई भी छोटा भाई बहन 10th क्लास में पढ़ता है, तो मैंने मैथ के लिए अलग से एक यूट्यूब चैनल बनाया, दीपक की पाठशाला, उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये एडसेंस अकाउंट है। इस एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको ऑप्टिमाइज आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब आप अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता लग गया होगा, आप एडसेंस के नाम से परिचित है। गूगल का एक प्रोडक्ट एडसेंस जिससे अपने यूट्यूब चैनल को अपने जो एडसेंस है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक वेबसाइट है तो वेबसाइट को आप अपने एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के द्वारा हमें पैसे मिलते हैं।
तो गाइस ये देखिए, जितने भी यूट्यूबर है वो सभी लोग अपने एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट किए हुए होते हैं। जो एडसेंस पर आपने यूट्यूब की वीडियो पर लिंक देखे होंगे, ऐड देखे होंगे, तो वो इसी जो भी उसके अंदर का जो ऐड का जो रेवेन्यू होता है वो अपने एडसेंस के अंदर आता है। उसके बाद में 21 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जब हमारे अकाउंट में $100 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार जो मेरा पैसा है वो बैंक में कैसे आता है अभी, एंड अगर आपको मेरा प्रीवियस पेमेंट चाहिए तो उसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके उसकी रसीद आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ यू गेट पेड, यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट को डाल रखा है। इस बैंक अकाउंट में जो मेरा पैसा है वो इसी बैंक अकाउंट में आता है, तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसके नाम से ये सारी चीज़ें बता रखा है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि कौन से महीने में कितना पैसा है, कौन से महीने में कितना पे हुआ है, यहाँ तक कि आप सो गाइस जिस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपका जो यूट्यूब से पैसा कब मिलता है और कैसे मिलता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।